फिल्म इंडस्ट्री में कब किसका समय बदल जाए ये निश्चित नहीं रहता है। बॉलीवुड में कभी कभी अमीर भी कंगाल हो जाते हैं और कंगाल भी रातों रात अमीर बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ अभिनेता ऐसी हालत में नजर आते हैं जिन्हें देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको इंडस्ट्री के कुछ ऐसे मजबूर अभिनेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक समय में बॉलीवुड पर राज किया था। धीरे धीरे उनकी हालत ऐसी हो गई कि अब लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके अभिनेता सतीश कौल अपनी जिंदगी के 10 साल आर्थिक तंगी में बिताए। जनवरी 2019 में जब उनके बारे में खबर छपी, पंजाब सरकार ने उनकी मदद करने के लिए 5 लाख दिए। दरअसल सतीश के पास जो भी जमा पूंजी थी वो एक बिजनेस की वजह से खत्म हो गई। इसके बाद सतीश की हालत कुछ महीने पहले ऐसी बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। सतीश के पास अपना इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब यह बात मीडिया में आई तो बॉलीवुड के कुछ लोग उनकी सहायता के लिए आगे आए। सलमान खान की फिल्म उनके साथ काम कर चुकी अभिनेत्री पूजा डिडवाल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पा रही थी। पूजा डिडवाल ने बताया कि उन्होंने सहायता के लिए सलमान खान से संपर्क करने का प्रयास किया पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जब सलमान खान को इस बात की जानकारी मिली तो वह पूजा की मदद करने आगे आए। अब पूजा पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। हम आपको बता दें कि पूजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म वीर गति से की थी। इस फिल्म में पूजा के साथ सलमान खान भी मुख्य भूमिका में थे। इसी कड़ी में हम अगले जिस अभिनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सवि सिद्धू। सवि सिद्धू ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत अनुराग कश्यप की फिल्म 5 से की थी। वैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल और ब्लैक फ्राइडे में काम किया। सवि सिद्धू अक्षय कुमार के साथ पटियाला हाउस में भी नजर आए। सवि के पास काम करने की कमी नहीं थी। उन्होंने यशराज बैनर और सुभाष घई की फिल्मों में भी काम किया था पर उन्हें अपने निजी कारणों की वजह से बॉलीवुड छोड़ना पड़ा और अपने खर्चे चलाने के लिए गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। राजेंद्र कुमार अपने समय के बहुत ही मशहूर अभिनेता थे। साल 1963 से लेकर 1966 के दौरान राजेंद्र की सभी फिल्में सुपर हिट रही थी। ऐसा कहा जाता कि उस समय सिनेमाघर में राजेंद्र कुमार की फिल्में लगी रहती थी और लगभग सभी फिल्मों के सिल्वर जुबली मनाई। इसलिए राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाने लगा। एक ऐसा समय भी आया जब राजेंद्र कुमार की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। पैसों की कमी की वजह से राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला राजेश खन्ना को बेचना पड़ा। उस समय उनके बंगले का नाम डिंपल था। लोगों का कहना है कि जिस समय राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला खाली किया था उस रात वो बहुत रोए थे। बॉलीवुड के मशहूर विलेन महेश आनंद की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई। महेश आनंद की बॉडी सड़ी हुई हालत में उनके बंगले से मिली जहाँ वह अकेले रहते थे। महेश आनंद की उम्र 57 साल थी और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 18 सालों से उन्हीं फिल्मों में काम नहीं मिला था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं लाता रहूँगा आपके लिए इस टाइप के और भी वीडियोज़। धन्यवाद।